बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ आप साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई मुद्दा जिजान से कुछ वीडियो हाल ही में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि बारिशों का जो सिलसिला और समुद्री तूफान भी एक आ चुका है जो कि जिजान साहले समुद्र से टकरा भी चुका है। बहरहाल बारिशों का सिलसिला जारी है और बिजली की यानी कि बिजली गिरने की भी बहुत सी वीडियो सामने आ रही हैं, वो भी आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूँ। और अभी एक लेटेस्ट वीडियो सामने आई है जी। ये वीडियो देखने के बाद आप यकीन करें कि एक तो पहले मैं ये नोट कर चुका हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में भी मैं रहा हूँ, सऊदी अरब में भी यानी कि ताइफ शुफा वगैरह अबा खमीस वगैरह के तबूक वगैरह शहरों में रह चुका हूँ। बहुत सी बारिशें, बहुत से बादल, ताइफ में तो मैंने भाई ज़ालाबारी इतनी देखी है यानी कि जिसको हम गड़े बोलते हैं, आइस गिरी है जी, के ढेर लग गए थे। लेकिन फिर भी ऐसी बिजली की कड़क मैंने कहीं नहीं सुनी थी, आप यकीन करें। जो अभी दो दिन पहले ही यहाँ पर बारिश हुई है, इतनी ज़्यादा बिजली की कड़क मैं यहाँ पर महसूस कर रहा था, बादलों के गरजने की आवाज़। तो ये भी ऐसी ही एक वीडियो है और मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी है। बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, यहाँ पर आपको मैं दिखा भी रखा हूँ, आप देख सकते हैं। ये जिजान में ही इन्हीं इलाकों में ली गई है जहाँ पर मैं मुकीम हूँ, यानी कि फीफा वगैरह के नज़दीक। तो भाई देख ले, एक बादल है, ऊपर चांद है, बकायदा चांद ऊपर निकला हुआ है। ये बादल एक सिर्फ पीस है बादल का, एक बदली बोल रहे हैं आप इसे। अच्छा, ये एक जगह पर है जी, वहां पर इसके अंदर बकायदा आप देखें ऐसे जैसे लाइटर से आग नहीं लगाई जाती है किसी चीज को, यानी कि इस बादल के अंदर ही आपको फील होगा कि बिजली की कड़क आप देख सकते हैं इसके अंदर से ही। हालांकि ये छोटी सी बदली है एक साइड पर और ऊपर चांद भी निकला हुआ है। तो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी वायरल हो रही है और मैंने बोला आप भाई के साथ भी शेयर कर दूं। सऊदी अरेबिया में भी भाई ऐसे वाकया देखने को मिलते हैं और ख़ासकर इन इलाकों में वो काफ़ी हैरानकुन है। अगर शुफा या तबूक वगैरह या खमीस वगैरह अबा वगैरह में ऐसे वाकयात हो, वो काफ़ी ऊंचाई के ऊपर हैं तो वहाँ पर तो बात मानने में आती है, लेकिन इन इलाकों में जो कि इतने ज़्यादा ऊँचाई वाले भी नहीं हैं, काफ़ी हैरानकुन है।